नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। आपके लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन, आपकी राशि के अनुसार आपको क्या फल देंगे फरवरी 2022 में, सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की पोजीशन, जो ग्रह आपकी राशि के अनुसार बैठे हुए हैं, वो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका भाग्य, वैवाहिक जीवन, करियर, बिजनेस। दोस्तों, फरवरी के महीने में सूर्यदेव 13 फरवरी को आपकी राशि से, मकर राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 27 फरवरी को शुक्र और मंगल धनु राशि से निकलकर आपकी राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है फरवरी 2022 में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव हमारे जीवन में आता रहता है। कभी सुख हमको देखने को मिलता है, कभी दुख, सुख दुख, यस अपयस, मान सम्मान, ये हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा मकर राशि के लिए, आपके राशि के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार। दोस्तों, फरवरी के महीने में आपकी राशि से ग्रहों की जो पोजीशन है, जो स्थिति रहेगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में शनि, बुध और सूर्य विराजमान है। सेकेंड हाउस में है देव, गुरु, बृहस्पति। 12th हाउस में जाकर बैठे हैं मंगल के साथ में शुक्र। 11th हाउस में है केतु और पंचम भाव में बैठे हैं राहु। अब इनका प्रभाव कैसे पड़ेगा आपके जीवन में, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, समझने का भी पूरा प्रयास करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस में आपके शनि, सूर्य और बुध। सूर्य कहां के मालिक है, 8th हाउस के। 8th हाउस के मालिक होंगे सूर्य, फर्स्ट हाउस में है 13 फरवरी तक। सूर्य जब तक फर्स्ट हाउस में रहेंगे 13 फरवरी तक, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। खासकर किन चीजों पर, माइग्रेन, एकदम से तेज सर में दर्द होना, हर्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको अगर आप ड्रिंक करते हैं कुछ ज्यादा ही, तो विशेष वहां पर आपको ध्यान रखना है। आंखों से रिलेटेड, यानी कि आइस में आपका जलन होना, थोड़ा बहुत आइस वीक होना, यह 13 फरवरी से पहले पहले देखा जा सकता, वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर सही हो जाए। आपकी शिक्षा कैसी होगी, 5th हाउस होता है पढ़ाई का, 5th हाउस में बैठे हैं राहु देव और शुक्र जाके बैठे हैं 12वें घर में। पूरे फरवरी तक शुक्र का 12वें घर में बैठना, राहु का 5th हाउस में बैठना, पढ़ाई में मन नहीं लगना और वहां से मन डाइवर्ट होके रिलेशन की तरफ को जाना, आप स्वयं समझ सकते हैं। राहु 5th हाउस में रिलेशन करवाते हैं, यानी कि अफेयर करवाते हैं और ब्रेकअप भी करवा देते हैं। राहु का 5th हाउस में बैठना, यानी कि मल्टीपल अफेयर करवाना और फिर उनको ब्रेक भी करवा देना, यानी कि राहु देव रिलेशन चलने नहीं देते। तो फरवरी के महीने में आपका मन डाइवर्ट होगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वहीं लव रिलेशन की बात करें तो वो अच्छा देखा जाएगा, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल के साथ में शुक्र की युति 12वें घर में रिलेशन को लेकर अच्छी मानी जाती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लव रोमांस अच्छा देखा जाएगा, आपस में जो बॉन्डिंग्स है वो अच्छी देखी जाएगी। लेकिन 13 फरवरी से पहले अपने पेशेंस पर आपको ध्यान रखना है, आपकी वाणी से रिलेशन खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में, सूर्य के अंदर अहंकार है, गुस्सा है, क्रोध है और शनि के अंदर जिद है। तो शनि और सूर्य का कंजक्शन फर्स्ट हाउस में आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है, बिना वजह का आ सकता है, बिना वजह का आ सकता है और वो आपको डाउन कर सकता है हर चीज पर। आपको बोलना चाहूंगा ध्यान रखना 13 फरवरी से पहले पहले। वही आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, 7th हाउस रिप्रेजेंट फॉर मैरिड लाइफ। 7th हाउस के मालिक है चंद्रमा और चंद्रमा हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में, शनि की दृष्टि 7th हाउस में। दोस्तों, आपके जो लाइफ पार्टनर है
उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है 13 फरवरी से पहले, क्योंकि अष्टमेश सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पे है। तो 13 फरवरी से पहले अपने और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर चलना होगा, और उस समय पर आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कहने का तात्पर्य इतना है कि बिना वजह की चीजों पर बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, नहीं तो बात बढ़ सकती है छोटी छोटी चीजों को लेकर। या कहते हैं कि कभी कभी हमारा जो मन है वो डिसेटिस्फाई होता है रिलेशन को लेकर, ऐसा ही देखा जाएगा 13 फरवरी से पहले पहले। जितना आप चाहेंगे, जितनी आपके एक्सपेक्टेशन होंगी, वही आपको प्रॉब्लम करेगी, वहां आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा। भाग्य के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, 1st हाउस में है। करियर के मालिक बनते हैं लॉर्ड बनते हैं शुक्र, 12वें घर में है। भाग्य के मालिक बुध ग्रह शनि के साथ में 1st हाउस में जाकर बैठे हुए, यानी कि आपका भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य के मालिक बुध ग्रह 1st हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। बुध यानी कि कम्युनिकेशन, बुध यानी कि व्यापार, बुध यानी कि आपका खुद का काम बहुत अच्छा देखा जाएगा, और बुध का शनि के साथ में बैठना लोहे से रिलेटेड काम, टेक्निकल से रिलेटेड काम, इंजीनियरिंग आपकी फील्ड है वो आपके लिए अच्छी देखी जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयड है तो इन फील्ड में आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य का शनि के साथ में बैठना कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। एक होता है कि आपका भाग्य तो अच्छा है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन है 13 फरवरी से पहले पहले, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड करें यानी स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चलते हैं तो आपको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और समय पर आपको नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य के मालिक बुध ग्रह 1st हाउस में बैठ के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। शुक्र का 12वें घर में बैठना, शुक्र 12वें घर में अच्छा माना जाता है, एक्स्ट्रा रिलेशन भी दिखा रहा है, लेकिन विदेश से गतिविधियां भी अच्छी दिखा रहे हैं। अगर आप फॉरेन में हैं, मकर राशि वाले व्यक्ति फॉरेन में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, मंगल के साथ में शुक्र 12वें घर में अपने आप को लेकर या अपने मौज मस्ती, अपने एंटरटेनमेंट को लेकर खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए मकर राशि वाले व्यक्तियों को? दोस्तों सबसे पहले तो शनि की 7.5 चल रही है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह सुबह उठकर करें, यह बहुत अच्छा माना जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा है। दूसरा, हमेशा मैं आपको कहता हूं कि शनि का बीज मंत्र आप जरूर करें, मंत्र में जो शक्ति होती है वो किसी में नहीं, शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्राय नमः 108 बार सूर्य के अस्त हो जाने के बाद। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर है, नीच के हैं, तो शनि का दान जरूर करें, शनिवार को काली चीजों का, लोहे का, चमड़े का दान जरूर करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।